अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपको ये जो मैरिज काउंसलिंग जो आपने मैंने इसको ही क्यों चुना, मतलब व्हाई डू यू ऑप्टेड दिस? आप करियर, आप अपने अपना अपना करियर वगैरह नहीं बनाया एमएलसीज में जॉब करियर करके? नहीं, आपको तो बैकग्राउंड मालूम होगा कि इसकी एक छोटी कहानी है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम बेल। बेल का एचआर जनरल मैनेजर, नहीं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जनरल मैनेजर था। पूरे एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग करता था। आई यूज टू रिक्रूट माई इंजीनियर्स। हमारे यहाँ कंपनी मालूम है, बेल कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉई है। तो एवरी ईयर वी टेक अराउंड 1,000 ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज, एमबीए एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल अच्छा ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। ये इट इज़ ए फुल फ्लेश ट्रेनिंग। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ऑल दीज पीपल आर रिपोर्टिंग टू मी। आई एम देयर मदर एंड फादर। उनके माता पिताजी आते थे, रोते थे बच्चों को। फर्स्ट टाइम से आप, मेरा बच्चा गांव के बाहर ही नहीं गया सर। बोले डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर, आई एम देयर मदर एंड फादर। तो ये लोग हमारे साथ ये सॉर्ट ऑफ ये रिलेशनशिप बनी। तो आफ्टरवर्ड्स क्या है, उन जॉब पे जाने के बाद 1 ईयर ट्रेनिंग मेरे पास रहती थी। बाद में जॉब में जाते हैं तो फिर भी हमारी वो रिलेशनशिप चलते रहती है 2 साल। क्योंकि हमारी एक टाउनशिप है, वहीं पे क्वार्टर्स है, हर एक को मैं हेल्प करना पड़ता है, लीव को या साइट को, सैंक्शन टूर में। तो एक देन और सीनियर्स क्या करते हैं बनने के बाद, दे गेट मैरिड। ओके, एक ऐसे एक केस थी जहाँ पे मेरी जो स्टूडेंट दोनों मैरिज कर लिया, एंड दिस बॉय वॉज गोइंग टू सेट। वन ऑफ माई स्टूडेंट, यानी एक लेडी आई थी, वो मेरी स्टूडेंट है। तो बोले कि सुंदरम साहब, आप आपके स्टूडेंट को काउंसलिंग नहीं करते क्या? मैं बोला आप भी तो मेरे स्टूडेंट, बिकॉज दे गॉट लव मैरिज। बोला आप भी तो मेरे स्टूडेंट है। नहीं नहीं साहब, आप, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो भाई काउंसलिंग एडवाइस नहीं होता है, काउंसलिंग डेटा बेस्ड एडवाइस। आप कुछ कहो उसके सामने, बिकॉज आई हैव टू लिसन टू बोथ दी पार्टीज। एक पार्टी की सुनी काउंसलिंग नहीं होता है। तो बोली अच्छी बात है, तो मैं आपको लाऊंगे। हस्बैंड को ला ली, शी हैड ए बेबी इन आर हैंड, और बोलना शुरू कर दी, साहब ऐसा कर रहा है साइड पे, ही इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और आके मुझे सुनाता है। तो आप, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे हो गए। देन आई आई आज वो लड़का तो बहुत मेरे सामने, तो वो बोलता था कि भैया डैड, आप तो मेरे डैड है, बोलता था। तो मैं बोला अच्छी बात है, यही रिलेशनशिप हम कुछ यूज़ करते हैं इसको। बोला भाई, अरे भाई क्या है ये, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब गलत। आई वॉज रियल चौक गया था, वे फेलो रेस्पॉन्डेड, आई वॉज रियली शॉक। सर गलत क्या है सर इसमें, इसमें क्या गलती है? मैंने जो चाह वो कर लिया। इफ शी वॉन्ट शी कैन ऑल्सो गो, उसको माई पार्टनर अरेंज करूंगा। अभी ये टिपिकल साउथ इंडियन लेडी, इतनी आई डिडंट एक्सपेक्ट, इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, जो कम बात करते हैं, वैसे वाली पर्सनैलिटी है। तो मैं तो शॉक, ये क्या किया इमीडिएट। जब जब मेरी करियर स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग के बारे में, मैं 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, वो बेबी को पटक दी नीचे, रोना शुरू कर, सर ये क्या पागल हो गया, क्या बात कर रहा है, मेरे को पार्टनर सप्लाई करेगा, मैं वाइफ हूँ या कुछ और समझ रहा है। और उसको कॉलर पकड़ के खींच दिया, उसको यहाँ पे मार लगा, यहाँ पे मार लगे, तो रोना शुरू कर, ये शी वेंट ऑफ, चले गई। देन दिस फेलो आल्सो वेंट क्राइंग। 2-3 दिन हो गया, मेरे नींद नहीं आ रही थी, मुझे नहीं आता, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सका, ये लड़के को ढूंढ रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है मुझे। तो इसको मैंने पकड़ लिया, वॉलीबॉल खेल रहा है 3 नाल के बाद। बोला क्या हुआ यार, मेरे वाइफ किधर है आपके? सर आई डोंट नो। अरे आपकी वाइफ, आई डोंट नो क्या बात है, 3 दिन पहले मेरे रूम में ये हुआ था। और कहते नहीं सर, शी इज लाइक दैट ओनली, वो लड़ लेती है, जाती है, मैके जाती है, फिर आ जाती है। मुझे आई वॉन्ट रिपोर्ट विन 1 आवर, अगर आप नहीं करेंगे तो मॉरली आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरे रूम में हुआ है, मैं तेरे को पुलिस में हैंड ओवर कर दूंगा, अगर कुछ हो गया ना, इफ ही डज समथिंग। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, यू आर रनिंग यार। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसको 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 मैं बोला था कि आपके, हमारे एनएलपी के हिसाब से, टेक्निक से बोलते हैं ना, क्रिएटिव, कन्फर्मेटिव एंड सेंसिटिव, 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। ओके, क्रिएटिव पर्सनालिटी, कन्फर्मेटिव, ये जो छात्र है ये क्रिएटिव है, यानी कलात्मक, ये आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, वो है सेंसिटिव पर्सनालिटी। ये आर्टिस्ट तो 2-10 कदम आगे सोचता है, थोड़ा ज्यादा बोल लेता है। तो ये, अगर ये 2 को करा तो 4 करे बोल लेता है। तो बोला भाई तेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि नहीं? हाँ सर। उसकी सेंसिटिव पर्सनालिटी है, अरे तू तो एयरक्राफ्ट है, वो तो बैल की बंडी है, स्लो है, तो प्लीज गो एंड टेल हर, ये गलती हो गया, नहीं करूंगा सर। तो वो बोला बोला एनएलपी के हिसाब से उसको सिखाया, तो गया वगैरह। सो व्हाट, ये क्या करी, उसके बहन सिस्टर के पास चले गए, बेबी को कर दिया। और वहां पे लकीली क्या आया, देयर इज मैरिज फंक्शन हो रही है, तो शी वांट टू कमिट सुसाइड, शी हैज टेकन रैट पॉइजन। ओके, चूहे का वो जो दवा लेके चले गए फॉर किलिंग हर्सेल्फ, मगर सिस्टर इज नॉट देयर, शी इज क्राइंग इन द ऊपर वाटर टैंक होता है 40 फीट के ऊपर, 40 फ्लोर के ऊपर, वहां पे बेटर हो रही। ये गया, गिरा, पैर पे गिरा, दोनों लड़ लिए, और दे हगिंग हो गया, हो गया, शी केम बैक।
तो ये शी कॉल्ड मी, बोले सर थैंक यू वेरी मच, अगर ये लड़का एक घंटा लेट आता था देन आई वुड हैव गॉट माय डेड बॉडी। तो जब मेरे दिल में ये आया कि अरे भाई ये छोटा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम पब्लिक को, हस्बैंड वाइफ को, बिकॉज वन इज क्रिएटिव अनदर इज कंफर्मेटिव, वन इज सेंसिटिव, दैट इज रीजन देन आई थॉट दैट माय लाइफ विल बी डेडिकेटेड फॉर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। ओल्ड मॉडल ऑफ काउंसलिंग इज गॉन, इट इज अ डेटा बेस्ड काउंसलिंग। मेरी जर्नी शुरू हुई 2016 में, मैंने रिटायर हो चुका था बेल से, बेल हैदराबाद से, देन आई केम बैक टू चेन्नई एंड जब यहाँ से मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर आप practo.com में जाके देखेंगे मेरे बारे में, आई एम द नंबर वन साइकोलॉजिस्ट, अराउंड 150 पीपल, 110 पीपल हैव गिवन देयर फीडबैक। सो यहाँ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो ये मेरी इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लोग समझते हैं एनएलपी का बैकग्राउंड, तो मैं समझा कि व्हाई नॉट आई यूज इट फॉर माय पर्पस, सो आई एम बॉर्न फॉर ए मिशन। ओके, सो दिस इज माय सिंपल टेक्निक। और ये एक आई वेंट थ्रू दिस, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस, ये एक डॉक्टर जॉन ग्रे की बुक है, आई वॉज ट्रेन बाय जॉन ग्रे। फ्रंट एंड ये है और बैक एंड जो है मेरी टेक्निक, मेरी सक्सेस रेट कहेंगे तो एनएलपी मेथड है, ये एनएलपी टेक्निक है। So that is how I am different from others. That is the reason मेरी जो results हैं 100%, because अगर homework नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़े तो result नहीं आएगा, मुझे blame नहीं करेंगे। That is the method I follow.